एवरीवन वेलकम टेक गुरु के वन ऑफ द मोस्ट डेफिनेटिव एपिसोड्स ऑफ 2012 में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित और साथ है अभिषेक तेलंग। और आज जो टेक गुरु का एपिसोड है इसमें होने वाले हैं टेक गुरु अवार्ड्स। और हमने साल भर में जो जो कुछ चुनिंदा टेक्नोलॉजीज थी जिन्होंने इस साल काफी धूम मचाई, धमाल मचाया, उन सबको हमने एक साथ लाया, उनको घोला मिलाया साथ में और लेकर आ गए आपके लिए टेक गुरु अवार्ड्स। इट्स बीन अ क्रेजी ईयर अभिषेक। स्मार्टफोन्स टैबलेट्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, टैबलेट्स स्मार्टफोन्स के स्लिम फिगर को देखिए डाइट पर जा रहे हैं, सिम कार्ड वाले कैमरा आ रहे हैं और ब्रेकिंग न्यूज कि दुनिया खत्म भी नहीं हुई है। तो दुनिया खत्म नहीं हुई है इसीलिए टेक गुरु अवार्ड्स लेकर आए हैं। बट ऑल सेड एंड डन 2012 में टेक्नोलॉजी ने अपने आप को काफी सरप्राइज किया और सबसे बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज ये है कि हम आज वो 12 बेस्ट टेक्नोलॉजीज आपके लिए चुनकर लेकर आ गए हैं। एंड नॉट जस्ट 12, हां इसके साथ कुछ बाय वन गेट टू फ्री ऐसे टाइप की स्कीम, डिस्काउंट बोनांजा ऑफर भी है। सो लेट्स बिगिन द टेक गुरु अवार्ड्स 2012। पर इससे पहले कि हम आपको वो गैजेट्स दिखाएं जिन्होंने इस साल बाजी मारी है, उससे पहले देख लीजिए उनकी सिलेक्शन प्रोसेस। टेकगुरु गैजेट अवार्ड्स के लिए बेस्ट गैजेट की लिस्ट और उसमें से टॉप गैजेट चुनने के लिए टेकगुरु टीम के साथ नेटवर्क 18 की चिप मैगजीन, बेटर फोटोग्राफी और एवी मैक्स मैगजीन्स की टीम ने भी घंटों अपना दिमाग खपाया। मीटिंग से कई सेशंस हुए, कभी कॉफी की चुस्कियों के साथ। तो कभी सीरियस वर्किंग मूड में। हमारी जूरी टीम में शामिल थे बेटर फोटोग्राफी मैगजीन के एडिटर माधवन पिल्लई, बेटर फोटोग्राफी के फीचर्स एडिटर और हमारे जाने पहचाने राज लालवानी, चिप मैगजीन से हमारे कंप्यूटर गुरु आनंद तुलियानी और एवी मैक्स मैगजीन से सुमित भोसले। और इनके साथ खाते पीते योगदान दिया हमारे टेक गुरुज अंकित और अभिषेक ने। और हम सभी की कड़ी मेहनत से हम आपके लिए लेकर आए हैं टेक गुरु अवार्ड 2012, साल के सबसे बेस्ट गैजेट्स। साल का पहला अवार्ड लेने का अगर किसी को सबसे ज्यादा हक बनता है तो वो है नॉन अदर देन एप्पल। जनाब इसके पहले लिख तो लीजिए अवार्ड कौन सा है। ये जो अवार्ड है ना, ये कैटेगरी है बमर ऑफ द ईयर। और बमर ऑफ द ईयर मतलब ये है कि एक ऐसा गैजेट जिसके लॉन्च होने से पहले तो काफी बस था, लोग कह रहे थे यार कैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, पर जब लॉन्च हुआ ना तो उसमें कोई फन्ने का फीचर नहीं था। फन्ने का, व्हाट इज दैट? फन्ने का मतलब 30 मार्का टाइप, मतलब ऐसा कि जिसका कोई तोड़ ना हो। एप्पल वी लव यू मैन, वी सीरियसली डू, बट एप्पल आईफोन 5 ये क्या मजाक है यार, इतनी एक्सपेक्टेशंस और उस पे कुछ भी नहीं खरा उतरा। Enough said, we don't want to waste any more time. Already पूरी दुनिया का अनाप शनाप वक्त इस पे गैजेट पे बर्बाद हो गया है। I guess we'll just have to wait for iPhone 5s. पर अंकित, we miss you, Steve. Miss you, man. चलिए अंकित, मूविंग ऑन टू द रियल अवार्ड्स, हमारी पहली कैटेगरी है बेस्ट म्यूजिक गैजेट्स। एवी मैक्स मैगजीन के साथ मिलकर हमने कैटेगरी डिसाइड की और उनमें से हमने एक नहीं बल्कि दो विनर्स निकाले, एक आपके पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए और दूसरा होम एंटरटेनमेंट के लिए। Awesome. So first one, जिसके साथ आप यो यो हनी सिंह मजे से सुन सकते हैं द बप्पी लहरी ऑफ हेडफोन्स जी, द डेनॉन AH260R। दिखने में क्लासी हेडफोन्स है, इनक्रेडिबल साउंड क्वालिटी है और दाम 3,000 रुपए। आपको सुनने में डेफिनेटली थोड़ा महंगा तो लग ही रहा होगा, लेकिन अच्छी गाड़ी, अच्छी वाइन और अच्छे म्यूजिक और साउंड के लिए थोड़े से वैसे खर्च तो करने ही पड़ेंगे। पर अंकित, जो दूसरा गैजेट है इसी म्यूजिक कैटेगरी में वो है एक होम एंटरटेनमेंट गैजेट ऑफ द ईयर और जिसका मॉडल नंबर है सोनी BDV9900W। 40,000 रुपए का प्राइस पॉइंट है अंकित। थोड़े और पैसे खर्च कर देते तो अच्छा मॉडल नंबर भी घर ले आते। ओके, बट द कूल पार्ट इज होम एंटरटेनमेंट के लिहाज से दिस इज व्हाट यू कॉल एन HTIB, बोले तो होम थिएटर इन अ बॉक्स। और इसमें सिर्फ होम थिएटर इन अ बॉक्स ही नहीं है, इसमें 3D ब्लूरे प्लेयर आता है, इसके साथ ही ये जो है इसके साथ दो रियर वायरलेस स्पीकर्स मिलते हैं जो कि काफी अच्छी चीज है। प्लस पॉइंट यार, नहीं तो आपको सामने लिविंग रूम के सामने से लेके पीछे तक मतलब ये तारों का जंजाल होता है, सच में बहुत सरदर्द होता है, वो तारे जमीन पर हो जाते हैं, तारे जमीन पर हो जाते। नेक्स्ट कैटेगरी बॉयज एंड गर्ल्स, आपके घर के होम एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस का सबसे इंपॉर्टेंट गैजेट द बेस्ट टीवी ऑफ 2012 इज सैमसंग यूए
और 50 इंच जैसा लंबा चौड़ा नाम ये प्लीज टीवी मैन्युफैक्चरर्स आप नाम थोड़े से ट्रेंडी बनाने शुरू कीजिए। एब्सोल्युटली आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। एनीवे अभिषेक, नाम लंबा चौड़ा है, फीचर सेट भी लंबे चौड़े हैं। 32 इंच का स्मार्ट फुल एचडी एलईडी टीवी, अ लॉट ऑफ जार्गन ओवर देयर। बेसिकली 32 इंच में इसलिए मैंने ये साइज चुना है बिकॉज मुंबई में जैसे घर होते हैं, जैसे घर होते हैं, आप टीवी लगा देंगे तो उसी पे सोना पड़ेगा रात को निकाल के। एब्सोल्युटली, सो इट्स अ पावर पैक्ड कॉम्बिनेशन। या इट्स गॉट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ हाई एंड रेजोल्यूशन, कोडेक्स सपोर्ट, आपको एप्लीकेशंस मिल जाते हैं जिससे आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ये तमाम चीजें 49,000 में। ओ, वन मोर कूल पार्ट, सैमसंग का फोन है। हाँ, तो ये टीवी खरीदना चाहिए। हाँ, तो ऑल शेयर नाम का एप्लीकेशन है, आपके फोन पे जो भी वीडियो आप देख रहे हो ना, एंग्री बर्ड्स खेल रहे हो ना, सीधा बड़े टीवी पे खेल सकते हो। हाउ कूल इज दैट यार। और अंकित, एवी मैक्स के 13 एनिवर्सरी इशू में आप ये टीवी और इसके साथ और भी कई ढेर सारे टीवी को आप देख सकते हैं उनके एनिवर्सरी इशू में। ऑलराइट, अगली कैटेगरी मैं बोलूंगा। हाँ, प्लीज गो। अगली कैटेगरी होने वाली है बेस्ट सोशल नेटवर्क की, और इस कैटेगरी में जो बेस्ट सोशल नेटवर्क, बेस्ट सोशल नेटवर्क फेसबुक है यार। नहीं, सोशल नेटवर्क फेसबुक नहीं है। फेसबुक इज सो 2011। अभी सोशल नेटवर्क का जो वो है, जो इस साल का विनर है, वो एक ऐसा ऐप है, एक ऐसा नेटवर्क है, प्लीज एक ऐसा नेटवर्क है जिसपे $1 बिलियन का पॉकेट मनी इस साल उसने कमाया है। जकरबर्ग फैमिली का हिस्सा बन गया है और इस हफ्ते काफी बवाल में भी रह चुका है। और नन अदर देन Instagram. एब्सोल्युटली गजब के रेट्रो फोटो फिल्टर्स आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड्रॉइड पे, iOS पे आपको ये ऐप मिल जाएगा। 1 बिलियन फोटोज अभिषेक, 60 फोटोग्राफ्स हर एक सेकंड Instagram पर अपलोड होते हैं। 40 बिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इफ यू आर नॉट ऑन दिस ऑलरेडी, हेलो मिस्टर Neanderthal मैन, प्लीज अपने गुफाओं में से बाहर आ जाइए और instagram.com/techguruawaaz बिल्कुल ना भूलिए। Absolutely. बिल्कुल ना भूलिए, इसे फॉलो कीजिए। और सबसे जरूरी खबर इस हफ्ते की कि आप टेंशन ना लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम जो है ना, आपके फोटोग्राफ किसी को बेचने नहीं वाला है। तो रातों की नींद आप मत उड़ाइए, आराम से चैन से सोइए। डोंट गो एनीवेयर बिकॉज टाइम फॉर अ क्विक ब्रेक। टेक गुरु अवार्ड्स 2012 में आगे बेस्ट टैबलेट पीसी, बेस्ट मोबाइल फोन, बेस्ट लैपटॉप ऑफ 2012 इज कमिंग राइट अप। बस 2 मिनट इंतजार कीजिए, फिर वापस आइए। कम राइट बैक। वेलकम बैक, टेक गुरु अवार्ड्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब बारी है अंकित और मेरी फेवरेट कैटेगरी की, यानी कि कैमरा। एब्सोल्युटली, और ये लिस्ट हमने तैयार की है खास बेटर फोटोग्राफी के हमारे टीम मेंबर्स के साथ, माधवन पिल्ले, राज लालवानी एंड द रेस्ट ऑफ द बीपी टीम। अभिषेक, और ये जो गैजेट की हमने लिस्ट तैयार की है डिजी कैम्स की, इसमें हमने एक नहीं बल्कि 2 विनर्स चुने हैं ओनली बिकॉज ऑफ बजट। और जो फर्स्ट चॉइस है वो है सोनी RX100। पिछले हफ्ते भी हमने आपको दिखाया था, इस हफ्ते भी दिखा रहे हैं। और यामाहा की आपने RX100 बाइक तो चलाई होगी या नहीं तो सड़क पे जाते हुए देखी होगी। इट्स अ कल्ट बाइक मैन, और RX100 भी एक कल्ट कैमरा है। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। सोनी RX100 माइंड ब्लोइंग इसलिए है बिकॉज DSLR को टक्कर देने लायक और पोर्टेबल फॉर्म फैक्टर में RX100 आपको माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस देता है 30,000 रुपीज के प्राइस में। नाउ वी नो यू गोना से 30,000 बहुत महंगा यार, बट यार DSLR जैसी पिक्चर क्वालिटी इफ यू गेट इन अ पोर्टेबल कॉम्पैक्ट कैमरा, बच्चे की जान लोगे क्या यार? पर अंकित, हर कोई 30,000 रुपए एक डिजी कैम के लिए खर्च नहीं करता। बजट होता है किसी का 10,000। इसीलिए हमने जो कैमरा एक दूसरा सिलेक्ट किया है वो है निकॉन कूलपिक्स X6300 और S6300। और इस ये जो कैमरा है इसमें 16 मेगापिक्सल का सेंसर दिया हुआ है, 10x ऑप्टिकल जूम है। 10x ऑप्टिकल जूम इतने छोटे से बॉडी में, दैट्स अमेजिंग यार। अमेजिंग, और साथ में अमेजिंग कलर्स के साथ आता है, फंकी कलर्स, रेड, ब्लू, येलो, सब कलर्स में आता है। और साथ में निकॉन का भरोसा तो है ही, अच्छी इमेज क्वालिटी है ही। दाम है सिर्फ 10,000 रुपए। ओके, सो 2 डिजिकैम रिकमेंडेशंस टेक गुरु अवार्ड्स में। सोनी RX100 30,000 अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, या 10,000 का निकॉन इसका 24 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर है, 1080p फुल HD मूवी रिकॉर्डिंग कर लेता है, खूबसूरत रिजल्ट्स। एंड द निकॉन XP3 जो इमेज सेंसर है
Mashallah results, yaar. Like it doesn't get better than this. And you know the coolest part? 35,000 rupees, Abhishek. अगर इस कैमरे के साथ अगर आपको और भी कैमरों के बारे में ढेर सारा जानना है तो बेटर फोटोग्राफी के अगले महीने के इशू को पढ़ लीजिए. वहां पर भी कैमरा अवार्ड हो रहे हैं और वहां पर ढेर सारे कैमरे आपको देखने को मिलेंगे. Awesome. Moving on from cameras to personal computers. ये जो कैटेगरी है, the first one that we have is the best laptop. Boys and girls, HP is back in the game. HP Envy Spectre XT, 13 इंच का लैपटॉप है. एक अल्ट्राबुक. It's not a laptop, it's an ultrabook. हाँ, get it right. अल्ट्राबुक है, यानी कि दुबली पतली सी और हल्की फुल्की सी. You're talking about it as if it's your girlfriend, दुबली पतली हल्की फुल्की. हल्की फुल्की प्यारी सी नहीं, इसकी डिजाइन देखो, गर्लफ्रेंड को एनवी होने लगेगा इससे. 2013 में अगर आपको लैपटॉप खरीदना है तो लैपटॉप मत खरीदिए, अल्ट्राबुक खरीदिए, क्योंकि यही फ्यूचर है लैपटॉप का. अगली कैटेगरी मूविंग ऑन टू द रियल PC, पर्सनल कंप्यूटर जिसे कहते हैं. डेस्कटॉप अगर किसी ने आपको खरीदना चाहिए, उसको लगाइए मत, उसको ये दिखाइए. Lenovo ThinkCentre A720. My God, seriously, this is what a desktop should be. ये एक all-in-one computer है. बोले तो आपका जो एक 27 इंच का mind-blowing touchscreen monitor आएगा, उसके साथ जो base आएगा, उसी के अंदर आपको A to Z मिल जाएगा. Blu-ray drive मिल जाएगा, HDMI ports मिल जाएंगे, Dolby sound मिलेगा, touchscreen मिलेगा, built-in DVD tuner, 70,000 रुपए. और क्या चाहिए? कुछ खरीदने की टीवी भी खरीदने की जरूरत नहीं है, ये ऑल इन वन पीसी खरीद लो. ऐसे रहे जैसे हम लोग गोनी में लेके आए हैं. अब बारी सबसे एक्साइटिंग कंप्यूटर की, जो होने वाला है टैबलेट. और टैबलेट में तो आईपैड मिनी सबसे बेस्ट है. ना ना ना, आर यू सीरियस? आईपैड मिनी, डोंट बी बोरिंग प्लीज. आईपैड मिनी माइक्रोमैक्स के साल ज्यादा टैबलेट बिके हैं. ही हो, कुछ भी हो, आईपैड मिनी की परफॉर्मेंस Absolutely. Super. और iPad mini की चिकनी डिजाइन है, एकदम almost 8 इंच की स्क्रीन है. इसमें dual core A5 चिप लगा हुआ है इसमें, जो कि iPad 2 में लगा करता था. 5 मेगापिक्सल iSight कैमरा है, HD वीडियो रिकॉर्डिंग है, FaceTime HD है, iOS 6 है. They know everything about the iPad mini. तो iPad mini खरीद लो. इस साल का 2012 का सबसे बेस्ट टैबलेट कंप्यूटर iPad mini, चिकनी डिजाइन वाला. ओके, आई थिंक यू नीड टू गेट अ गर्लफ्रेंड, बिकॉज जो सारे एडजेक्टिव्स तू लड़कियों के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो तू अपने गैजेट्स के लिए इस्तेमाल कर रहा है. थोड़ा यहाँ पे गैजेट से प्यार है इतना. आई गेट इट. ओके, सो दिस इज बेसिकली अ बेस्ट कंप्यूटर्स लिस्ट, बेस्ट अल्ट्राबुक, बेस्ट पीसी एंड द बेस्ट टैबलेट पीसी. बहुत ज्यादा एक्साइटिंग और कैटेगरीज बची हैं, लाइक फॉर एग्जांपल द बेस्ट मोबाइल फोन. इसमें महंगा वाला और बजट वाला दोनों देंगे हम आपको, और साथ में बताएंगे इनोवेशन ऑफ द ईयर. इस साल इनोवेशन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? हाथ ऐसे मत के बाद. इनोवेशन ऑफ द ईयर डजंट लुक गुड. प्लीज, आफ्टर नेशनल टेलीविजन, राइट बैक टेंगरू अवार्ड्स 2012 पे. वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु अवार्ड्स 2012, जिसमें अभिषेक और मैं और नेटवर्क 18 के तमाम मैगजीन्स की जूरी मेंबर्स की टीम के साथ मिलकर वी आर गिविंग यू 12 ऑफ द बेस्ट गैजेट्स ऑफ 2012. एंड नाउ इट्स टाइम अभिषेक की फेवरेट कैटेगरी की. यस, गेमिंग. और गेमिंग में इस साल का जो सबसे बेस्ट गेम था वो है असैसिन्स क्रीड. नहीं, क्यों इंडियन टीम का परफॉर्मेंस नहीं? इंडियन टीम का परफॉर्मेंस एकदम फ्लॉप है. एक अच्छे वीडियो गेम की सबसे बड़ी खासियत क्या होनी चाहिए? दो चीजें होनी चाहिए, अच्छी स्टोरी लाइन और साथ में जबरदस्त ग्राफिक्स. और ये दोनों ही चीजें Assassin's Creed 3 में ठूस ठूस के भरी हुई थी. Absolutely. इस गेम का इंतजार गेमर्स ना जाने कब से कर रहे थे, और जब ये आया तो बॉस कंप्लीट फन. और वो जो कॉनर है ना, जो इसका मेन लीड है, उसके कैरेक्टर के एक्शन सीक्वेंसेस, खासकर वो स्लो मो एक्शन सीक्वेंसेस, एकदम वो दबंग के जो चुलबुल पांडे है ना, वो याद आ जाते हैं गेम खेलते खेलते. 7 मिलियन कॉपी सोल्ड हो चुकी है, पिछले महीने लॉन्च हुआ था, पिछले दिवाली के आसपास लॉन्च हुआ था. काम की बात मेरे एक्सबॉक्स पे चलेगा, पीसी पे चलेगा, लैपटॉप पे चलेगा, PS3 पे चलेगा, बस टैबलेट पे नहीं चलेगा. 18 प्लस है, खून खराबा है, लैंग्वेज खराबा है थोड़ा सा, 18 प्लस. लेकिन वैसे भी गेमर्स ज्यादा 18 प्लस वाले ही होते हैं, छोटे बच्चे वो निकलोडियन. बच्चों की अगर हम बात करें, द नेक्स्ट अवार्ड इज फॉर द छोटा बच्चा, एप्लीकेशन ऑफ 2012. आपके एंड्रॉइड फोन्स के, आपके iOS पे, हाँ, जो भागते रहा है साल भर. इनफैक्ट एंड्रॉइड पर लॉन्च होते ही 3 दिनों में 1 मिलियन बार डाउनलोड होने वाला एकमात्र एप्लीकेशन, टेम्पल रन, इज टेक गुरुज ऐप ऑफ द ईयर 2012. और ये अंकित बेंचमार्क है, बिकॉज किसी भी फोन कितना फास्ट प्रोसेसिंग कर सकता है, ये ग्राफिक्स उसके देखने आपको, टेम्पल रन से बेस्ट और कोई ऐप है नहीं. हमने बताया था ना आपको, अगर आप एक नया एंड्रॉइड सस्ता फोन खरीद रहे हैं, अगर उस पर टेम्पल रन ऐप नहीं चलता स्मूथली, उसे मत खरीदिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए. और एक ऐसा फोन अब हम आपको दिखाने वाले हैं जिसपे टेम्पल रन क्या, अरे इतनी चीजें यू मक्खन चलती है कि पिसल जाएगा कोई भी. The best budget smartphone of 2012,
टेक गुरु गैजेट अवार्ड्स 2012 का विजेता है माइक्रोमैक्स कैनवस 2A110. दो हफ्ते पहले जब हमने रिव्यू किया था ये फोन, अभिषेक और मैं एक कंसेंसस पे पहुंच गए थे दैट दिस हैज टू बी द बेस्ट बजट स्मार्टफोन ऑफ द ईयर. 5 इंच गजब का IPS डिस्प्ले है, सुपर एकदम स्मूथ टच स्क्रीन है, 512 MB रैम है, 1 GHz डुअल कोर प्रोसेसर है, आइसक्रीम सैंडविच, एंड्रॉइड 4.0 पे चलता है, 8 MP का कैमरा, गजब परफॉर्मेंस, LED डुअल फ्लैश के साथ, ऑल ऑफ दिस अमेजिंग पैकेज. पता नहीं कैसे माइक्रोमैक्स ने ये अजूबा कायम किया है. 10,000 इनफैक्ट उससे भी कम में आपको ये सारी चीजें मिल रही है. 10,000 में इससे ज्यादा और क्या उम्मीद करोगे यार, बच्चे की जान लोगे क्या ऐसा? ब्यूटिफुल. लेकिन एक ऐसे गैजेट को अब आपको दिखाने का वक्त हो गया है विच इज द बाप ऑफ ऑल द बाप्स, द बेस्ट स्मार्टफोन ऑफ 2012. और ये स्मार्टफोन जो है वो ये तय करेगा कि अगले साल किस तरीके के स्मार्टफोन आएंगे, उनमें कैसे फीचर्स होने चाहिए. ये एक बेंचमार्क है और वो विजेता है Samsung Galaxy S3. अब इसमें let me tell you, इसमें बहुत विवाद हुआ because आधा खेमा बोलते जा रहा था कि Note 2 को ये खिताब मिलना चाहिए, but we have given the Galaxy S3 this award because portability और practicality के मामले में ये ज्यादा नंबर कमाता है. इसी के साथ इसमें जो स्क्रीन है 4.8 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन ना सिर्फ अच्छी है बल्कि आपके हाथ में आसानी से समा जाती है. गोरिल्ला ग्लास दिया हुआ है इसके अंदर, 16 और 32 GB के इंटरनल मेमोरी वाले मॉडल के साथ आता है. इसके अलावा 8 MP का कैमरा है इसमें और HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, S वॉइस और साथ में डायरेक्ट कॉल जैसे कुछ कूल फीचर्स हैं जो इवन आईफोन में भी नहीं है. इनफैक्ट Samsung Galaxy S3 स्मार्टफोन्स के इतिहास के पन्नों में जाना जाएगा as that phone जिसने Samsung का पलड़ा भारी कर दिया Apple के नंबर 1 हो गया है मोबाइल मैन्युफैक्चरर दुनिया का Samsung कंप्लीटली. ऑल थैंक्स टू द Samsung Galaxy S3. सो दिस वाज बॉयज एंड गर्ल्स द टॉप 12 गैजेट्स ऑफ 2012. लेकिन जाने से पहले जो हमने आपसे वादा किया था द बेस्ट इनोवेशन ऑफ द ईयर आपको दिखा के जाएंगे. ये मुझे बोलना है बेस्ट इनोवेशन मुझे बोलना है. मैंने रिव्यू किया था Nokia प्योर व्यू टेक्नोलॉजी, 41 MP कैमरा अंकित और साथ में लॉसलेस जूम की जो टेक्नोलॉजी है. एक बात बोलूं, हाँ, दिस वाज एक्चुअली अ कैमरा दैट कुड मेक कॉल्स. हाँ, इट वाजंट अ मोबाइल फोन विद अ कैमरा दैट कुड मेक कॉल्स. माइंड ब्लोइंग इनोवेशन, 5 years इन द मेकिंग. 5 सालों से फिनलैंड के R&D लैब्स में प्योर व्यू टेक्नोलॉजी पे काम चलता रहा. और इसकी इंस्पिरेशन मालूम है अंकित कहां से मिली थी? वो ऊपर वो आसमान में सैटेलाइट्स घूमते हैं ना, वाओ, वहां से वो किस तरीके से सैटेलाइट्स में आप आपके घर के ऊपर की टेरेस जूम करके वो हो जाता है, तो वहीं से ये आइडिया आया था प्योर व्यू टेक्नोलॉजी का. थोड़ा सा यहाँ पे मार खा लिया इस फोन ने क्योंकि सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा था. बट द गुड न्यूज इज 2013 में ऑलरेडी लुमिया 920 में हम देखने वाले हैं प्योर व्यू टेक्नोलॉजी देखने मिलेगी. एंड इफ दिस इज द वे फॉरवर्ड नोकिया अगर प्योर व्यू टेक्नोलॉजी बाकी स्मार्टफोन्स में लेके आएगा, बॉस कैमरा के मामले में तो छक्के छुड़ा देगा सब. गैलेक्सी कैमरे की छुट्टी होने वाली है अगर ये लुमिया सीरीज में आ गया तो, है ना? बिल्कुल लग रहा है बिल्कुल. और अंकित एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, ना सिर्फ इसकी इमेज क्वालिटी अच्छी है बल्कि जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत ही शानदार है. इवन आप कह सकते हो कि जैसे DSLR कैमरे से जब आप HD वीडियो शूट करते हो उसके मुकाबले की है. वी आर सोल्ड मैन, वी आर सोल्ड. सो facebook.com/techguru आवाज पे जाइए और हमारे टेक गुरु अवार्ड 2012 की जो लिस्ट हमने आपको बताई है, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? आप सहमत हैं या यू हैव सम अदर रिकमेंडेशंस? प्लीज गो देयर एंड वोट फॉर इट. इट्स अ कंप्लीटली डेमोक्रेटिक मीडियम, लोकतांत्रिक है. इसके साथ ही अगर आपको हम दोनों की ये जो स्पंज बॉब की टी शर्ट्स पसंद आई हैं एक जैसे ऑक्शन कर रहा है बिल्कुल अभी इसे शो के बाद करेंगे, तो आप YouTube पर ये एपिसोड दोबारा देख सकते हैं youtube.com/techguruawaz एंड instagram.com/techguruawaz और साथ में ट्विटर के हम लोगों के कितने प्रोफाइल बन गए यार. 2013 में कोई कंसोलिडेट करो इसे, कुछ नए टीम मेंबर्स को ज्वाइन करवाना पड़ेगा यहाँ. बट 2013 में क्या एक्साइटिंग नई चीजें, यू शुड लुक फॉरवर्ड टू 13 things दैट विल रॉक 2013 कमिंग अप नेक्स्ट वीक ऑन टेक गुरु. कौन से गैजेट्स आपको खरीदने चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी पर आपको ऐसे दूरबीन लगा के नजर रखनी चाहिए, ये बताएंगे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, हम भी हांफ गए हैं, हमें भी थोड़ा शांत रहने दीजिए. तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड.